चलिए तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को डिप वेग पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे, तो आज उसी के बाद का एक फॉर्मूला है डिप वेग का ही, कि आखिर डिप वेग का सूत्र क्या होता है, कैसे हम उस फॉर्मूला को प्रूव करते हैं, आज हम लोग वो सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताएं कि डिप वेग का सूत्र प्रूव कैसे होता है। परिभाषा तो आप लोग को याद हो गया दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि ड्रिफ्ट वेग किसे कहते हैं तो आपको एक लाइन का परिभाषा याद हुआ कि किसी भी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग। यदि आपसे कोई पूछे कि ड्रिफ्ट वेग किसे कहते हैं, सामान्य भाषा बोलो कि किसी भी चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग। तो एक बार फिर सुनिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि ड्रिफ्ट वेग किसे कहते हैं या अनुगमन वेग किसे कहते हैं या अपवाह वेग किसे कहते हैं, तो एक लाइन का परिभाषा बोलिए कि किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग। मतलब यदि आपसे कोई पूछा ड्रिफ्ट वेग किसे कहते हैं, सीधी भाषा बोलो कि किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग, जिसमें किसी भी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिसमें चालक के सिरों में विभवांतर स्थापित कर, मतलब चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर क्या किया जाता है, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का गमन कराया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के इस वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ड्रिफ्ट वेग कहते हैं। मतलब उतना लंबा नहीं समझना है, बस इतना ही समझो कि विद्युत धारा के विपरीत दिशा में, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। मतलब जिस दिशा में विद्युत धारा गमन करता है उसी के विपरीत दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। जैसे कल एक विद्यार्थी हमसे पूछा कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, कल आप लोग के बीच में से एक विद्यार्थी पूछा कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, तो आपको हम पिछले वीडियो में हम बता रहे थे ना कि यदि आपसे कोई पूछे फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, बस ज्यादा नहीं समझाना है, समझो बस इतना ही कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, बशर्ते वह इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में घूमता रहे। यदि किसी तत्व के अंतिम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से ना भरा हो और अपने ही कक्षा में वो घूमता रहे, तो उसी को जैसे मान लीजिए कि पहला कक्षा में होता है, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में कितना होता है, बोले 8 इलेक्ट्रॉन। अब होता है यार रहे मान लीजिए 3, तो बताइए क्या हुआ, 5 का जगह तो खाली है, तो वह 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी कक्षा में घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि उसके बीच एक बल लग रहा है, वह बल इतना कमजोर पड़ चुका है कि वह उससे बैलेंस नहीं कर सकता है, इसीलिए वह उसमें घूमने लगता है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री, मतलब मुक्त, मतलब जिस पर कोई बल ना लगे, बिल्कुल फ्री है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो खैर दोस्तों, आज हम आप लोग को ड्रिफ्ट वेग का फॉर्मूला प्रूव करेंगे, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप समझिए फॉर्मूला को कैसे हम प्रूव करते हैं, और जब समझ में आ जाए तो साथ ही साथ हम आपको आज लिखाएंगे भी, तो साथ ही साथ आज दोनों काम करेंगे दोस्तों। तो पहले आप ध्यान से समझिए और जहां दिक्कत है पूछिए, बस इतना याद रखिए कि विद्युत धारा के विपरीत दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का गमन होता है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन गमन करता है तो इस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेग कहते हैं। ठीक, इसका मान कितना होता है, 10^-4। यदि आपसे कोई पूछे कि ड्रिफ्ट वेग का मान कितना होता है तो क्या बोलिएगा, 10^-4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि ड्रिफ्ट वेग को सूचित किससे करते हैं तो क्या बोलिएगा, भीडी से सूचित करते हैं। ये ना सुनिएगा भिंडी से सूचित करते हैं, भिंडी बोलना है, भिंडी नहीं बोलना है। अब मैं ध्यान दीजिए, सबसे पहले आज ड्रिफ्ट वेग समझाने के लिए आपको फिगर समझाएंगे, गौर से देखिए।
अब इस फिगर को आप समझिए, ये फिगर आप लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझाएगा दोस्तों कि आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आता है, आप इस फिगर से समझिएगा। इस गौर से इस फिगर को आप देखिए दोस्तों, इस फिगर में PQ एक चालक तार है, इस फिगर में PQ एक चालक तार है, ठीक है, है ना, एक चालक तार दिया गया जिसका नाम है PQ, जिसकी लंबाई कितना है बाबू L, समझो हम ड्रिफ्ट वेग का फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं। अब है बहुत आसान, बस समझने भर का दे दिया और गौर से समझोगे, हम एक चालक तार लिए जिसका नाम है PQ, PQ एक तार है, तार के अंदर देखिए हम आपको बताए हैं कि विद्युत धारा विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का गमन होता है, सेम कंडीशन आप फिगर में देखो, ये विद्युतीय क्षेत्र है E मतलब वह विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का दिशा आप देखिए इस ओर है, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन का दिशा देखिए इस ओर है, अपोजिट है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आ रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के वेग को हम लोग क्या कहते हैं, हुआ क्या कहते हैं, कौन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेग कहते हैं, समझना है? तो सबसे पहले हुआ इसका लैंग्वेज भी आपको लिखाएंगे, लेकिन आप खुद से बना सकते हैं, आप खुद से लैंग्वेज बना, चलिए हम आपको फिगर बना दिए, आप फिजिक्स पढ़ते हैं खुद से बनाना सीखिए, नहीं कि सर जी लिखाया और रख लिया, नहीं, एग्जाम में भी आपको पता है एग्जाम में क्या करता है विद्यार्थी, यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, तो सेम कंडीशन फिगर बना हुआ है हमारा विद्यार्थी, इसे भी खुद से लैंग्वेज बनाना जानता है दोस्तों, आप लोग भी जानते नहीं कैसे, सबसे पहले हुआ कि PQ एक चालक तार है जिसकी लंबाई कितना है हुआ L, ठीक है, जिसमें भी विभवांतर को स्थापित किया गया है, भी विभवांतर स्थापित करते ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, कौन सा प्रश्न हुआ, विद्युत क्षेत्र, जिससे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, जिससे चालक तार में क्या प्रवाहित होने लगता हुआ विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गमन करने लगता है, यह अपना लैंग्वेज हुआ। अब देखिए समीकरण समझिएगा, आप सब लोग फिगर को उतार चुके होंगे, समझिएगा लैंग्वेज समीकरण के साथ, सबसे पहले देखिए दोस्तों पहला चीज ई बराबर हम लोग को विद्युतीय क्षेत्र निकालना है दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है ई बराबर भी विभवांतर अब बटे चालक तार की लंबाई, देखिए समीकरण समझते चलोगे, ई बराबर भी बटे एल, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, भी मतलब विभवांतर जो स्थापित किया गया है, और एल मतलब चालक तार की लंबाई, ये देखिए विद्युत क्षेत्र का एक नया फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का एक नया फॉर्मूला सीखने को मिला, ई बराबर भी बटे एल, भी मतलब विभवांतर, एल मतलब लंबाई, तो याद हो गया होगा ई बराबर क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ई बराबर भी बटे एल। अब देखिए यहां से हम लोग थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ते, यहां से एक लाइन और आगे बढ़ते, क्या निकाल सकते, विद्युतीय बल निकाल, सीखते जाना बस है बहुत आसान, सीखना है सिर्फ, यहां से निकालिए विद्युतीय बल, अभी लैंग्वेज नहीं लिखा है, इसका लैंग्वेज अभी नहीं लिख रहा है, जब आपको हम लिखाना शुरू करेंगे तब साथ साथ फिगर उतरेगा और लैंग्वेज भी लिख चलेंगे, अभी बस इक्वेशन समझिए, समझ में आ जाएगा तब आपको हम लैंग्वेज सीखना, नहीं समझ में आएगा दोबारा सिखाएंगे। देखिए अब आपको निकालना है एफ, तो आप देखो फॉर्मूला जानते हैं, एफ बराबर होता है ई इंटू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, कहोगे सर जी तो पहली बार पढ़ रहे हैं, ये पढ़े कहां है, ये जो फॉर्मूला आप लिख दिए अपने मन से, ई बराबर समझ में आया कि फिगर से ऐसा लिख दिए, ई कहां से ले आए, देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, ई बराबर पहला यूनिट में आप लोग पढ़े हुए हैं, ई बराबर एफ बाय क्यू, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बाय क्यू,
अब आप गौर कीजिए यहां किसका मान लिखा हुआ है बाबू रे एफ, इधर बस देखते जाओ। हाँ E बराबर F बाई क्यू, किसका मान निकालना है बुआ? F का। तो देखो F बराबर E इंटू क्यू, F बराबर E इंटू क्यू। बुआ Q का मतलब क्या होता है? आवेश। Q का मतलब क्या होता है? आवेश। और यहां पर इस क्वेश्चन में इस Q के जगह लिया गया आवेश के बदले कौन प्रवाहित हो रहा है बुआ? इलेक्ट्रॉन। आवेश के रूप में कौन प्रवाहित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। आप पढ़ चुके हैं कि एक कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, इसलिए ई का क्यूब के बदले हम लोग क्या मान लिए? ई। तो बस क्या यूज करना है? इस क्यूब के बदले हम लोग किसका इस्तेमाल किए? ई का। अब एक काम कीजिए, अब आपको समझ में आ गया कि एफ बराबर ई इंटू ई, इस ई के बदले आपको इस्तेमाल क्यू के बदले आपको इस्तेमाल कर दिया गया। इस फार्मूला से क्यू के बदले इस्तेमाल किया गया स्मॉल ई का, एफ बराबर ई, तब वह ई का मान कितना है? वी बाय एल। रखिए ई के बदले वी बाय एल इंटू ई हो गया बुआ, एफ बराबर वी बाय एल इंटू ई। अब देखिए F बराबर वी बाय एल इंटू ई, अब सीखना है बस। अब यहां से एक और फॉर्मूला यूज करना है, देखते जाइएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ से न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, बताओ बउआ तुम लोग पढ़ा है न्यूटन गति के द्वितीय नियम का सूत्र क्या होता है? तो न्यूटन गति के द्वितीय नियम का सूत्र होता है एफ बराबर एम ए, जहां एम क्या है बउआ? द्रव्यमान। एम क्या है? द्रव्यमान है। ए क्या है बउआ? त्वरण है। और एफ क्या है? बल है। अब देखो एफ, एफ का मान कितना लाए हैं बउआ? इतना लाए हैं। एफ का मान रख दीजिए वी बाय एल इंटू ई बराबर एम ए। समझते जाओ समीकरण को, एफ बराबर एम ए कहां से आया हुआ? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। सूत्र क्या लिखे? एफ बराबर एम ए। एफ के बदले देखिए, एफ के बदले हम लोग इतना लाए हैं, तो एफ के बदले रखिए, एफ के बदले वी बाय एल इंटू ई बराबर एम ए। यहां से किसका मान निकालेंगे? ए का। किसका मान निकालेंगे? ए का। जहां ए बराबर, जहां ए बराबर भी, देखो भी इंटू ई बाय एल, ये एम देखिए गुना में है, बराबर किधर कर दिए? भागा में आ गया। एम है गुना में, इधर कर दिए भागा में, आ गया ए बराबर भी ई बाय एल एम। ठीक। अब मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर होता है, जो गति होता है, उसमें लगता है समय कितना हुआ? समय लगता है टी। तो आप ही सोच के बताइए, अगर लैंग्वेज में लिख रहे हैं, यदि हमको निकालना है ड्रिफ्ट वेग, हमको निकालना है वेग होगा, तो वेग निकालने के लिए त्वरण ए बराबर भी इंटू ई बाय एल इंटू एम आ चुका है दोस्तों। अब यहां से आप त्वरण निकालिए, देखिए त्वरण, अभी लैंग्वेज नहीं लिखे है, सिर्फ समीकरण समझिए। त्वरण ए बराबर, त्वरण का सूत्र पढ़े हुए होगा, इलेवंथ से नाइन्थ पढ़ते आ रहे हो, त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटे समय। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय। तब वेग का मतलब वी डी, वेग यहां कौन वेग है? ड्रिफ्ट वेग है। तब ड्रिफ्ट वेग को सूचित किए किससे बउआ? वी डी से। अब बटे समय, समय मतलब टी। देखो ए बराबर वी डी बाय टी। अब ये मत पूछना कि वी डी मतलब क्या होता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि वी डी का मतलब ड्रिफ्ट वेग, चूंकि हमको यहां पर निकालना है वेग, ड्रिफ्ट वेग निकालना है, इसीलिए यहां पर जी के बदले वी डी लिखा गया दोस्तों। अच्छा
अब हमको इसका मान निकालना है, ड्रिफ्ट वेग का मान निकालना है। तो ड्रिफ्ट वेग का मान वीडी बराबर हो गया ए गुना टी, वीडी बराबर ए गुना टी। वह ए का मान यहां लाए हैं, इसको पुट कर दीजिए, वीडी बराबर ए गुना टी। अब ए का मान रख दीजिए, वीडी बराबर ए का मान हो गया यहां लाए हैं वी ई बाय एल एम इन टू टी। देखिए दोस्तों यही आपका फॉर्मूला हो गया, वीडी बराबर वी ई बाय एल एम इन टू टी, यही हो गया आपको फॉर्मूला, यही हो गया आपको ड्रिफ्ट वेग का सूत्र, ड्रिफ्ट वेग का सूत्र यही हो गया दोस्तों, है ना। वीडी बराबर वी ई बाय एल एम इन टू टी, ठीक है दोस्तों। तो बस यही फॉर्मूला आप लोगों को प्रूव करना था। अब आप एक बार और देख के समझते चलिए। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लिए, फिगर में फॉर्मूला लिखे ई बराबर वी बाय एल, ई बराबर वी बाय एल। अब क्या किया हुआ, यहां से बल निकाले एफ बराबर ई इन टू ई, ये स्मॉल ई कहां से आया हुआ, तो सूत्र होता है ई बराबर एफ बाय क्यू। तो क्यू का मतलब होता है आवेश, क्यू का मतलब क्या होता हुआ आवेश, तो आवेश के रूप में कौन प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्यू के बदले क्या लिया हुआ ई, ठीक है। अब देखिए ई का मान यहां पुट कर दिए, ई के बदले रखे वी बाय एल इंटू कितना हुआ ई, इस कैपिटल ई के बदले क्या रखे वी बाय एल, ई के बदले वी बाय एल इंटू ई। अब देखिए न्यूटन के द्वितीय गति में से बहुत आसान है, ये हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ देखने में थोड़ा लंबा लगता है लेकिन है आसान, सिर्फ समझते चलो बहुत आसान पड़ेगा। न्यूटन गति के द्वितीय नियम से एफ बराबर एम ए, तो एफ का देखो बउआ एफ, एफ का सूत्र कितना लाए है, तुम खुद बोलो एफ का सूत्र कितना लाए है, बोलो बाबू एफ बराबर लाए हैं वी बाय एल इंटू ई, रख दिए एफ के बदले वी बाय एल इंटू ई बराबर एम ए, यहां से किसका मान निकाले बउआ ए का, तो ए बराबर हो गया वी इंटू ई बाय एल एम, ए का बराबर हो गया वी इंटू ई बाय एल एम, ये एम था बउआ गुना में, इसको हर कर दिए आ गया भागा में, तो ए बराबर वी बाय एल एम। अब देखिए ए का सूत्र होता है, एक और सूत्र होता है त्वरण का, ए बराबर त्वरण का सूत्र क्या होता है वेग बटे समय, तो त्वरण बराबर वेग, वेग मतलब वीडी ड्रिफ्ट वेग, और समय मतलब टी, किसका मान निकालना है बउआ वीडी का मान निकालना है, वीडी बराबर ए गुना टी। अब देखिए ए का मान लाए हैं इतना, पुट कर दिए टी के बदले टी, हो गया आंसर। तो हुआ ये बहुत ही आसान तरीका से आप लोग फॉर्मूला पुट कर दिए। अभी आप इसमें लैंग्वेज आप लोगों को नहीं लिखा है, क्योंकि लैंग्वेज लिखते समय और ज्यादा लगता, पहले हम आप लोगों को समझा दिए हैं कि आप लोग इसको देखिए, इसीलिए हम आपको पहले एक शॉर्ट तरीके समझाया कि आप इसको पहले देखो कैसे समीकरण बनता है। लैंग्वेज तो अपने मन का चीज है दोस्तों, ये समीकरण को देखो कि समीकरण कैसे बना, और समीकरण जब बन गया तो लैंग्वेज तो तुरंत बन जाए दोस्तों। तो पहले आपको ये सीखना है, टोटल फिगर बनाइए, समीकरण लिखिए, अब डिजिट में भरेंगे लैंग्वेज। तो आप लोग फिगर सब लोग आप लोग उतारिए, है ना, फिगर उतारने के बाद हम आपको लैंग्वेज साथ में लिखाते हुए चलेंगे, है ना। तो चलो दोस्तों, तो आप लोग को ये फिगर आप लोग उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आप लोग को हम 10 सेकंड का ज्यादा समय नहीं देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, मोबाइल का बैटरी बैठ जाता है, समझता है। आप लोग पहले इस फिगर को जल्दी सुधारिए, उसके बाद आपको लैंग्वेज दिखाते हुए चल रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ा लिखना है, ठीक ना। तो आप लोग साथ में हम बोलते जाएंगे और आप लोग लिखते जाइएगा, तब दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। उतारिए सब लोग फ्रैक से, अब हम बोल रहे हैं लैंग्वेज, आप उसको लिखना शुरू कीजिए। लिखिए माना कि, माना कि PQ एक चालक तार है,
माना कि PQ एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है इसके सिरों के बीच एक सेल जोड़कर विद्युत विभवांतर भी स्थापित किया जाता है तो चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी तीव्रता E बराबर V बटे स्मॉल L, जहां V क्या है बाबा विद्युत विभवांतर और L क्या है चालक तार की लंबाई, तो E बराबर V बटे L। नीचे लिखिए विद्युत क्षेत्र E द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल F = E (e)(e) F = E (e)(e) कहां से है बोबा, इसको आप साइड में चल लिख दीजिए E = F/Q, जहां Q के बदले क्या लिया गया होगा E, दिमाग में याद रखिए F = E(e)। अब देखिए बगल में लिखना है From Newton's second law, यूज कीजिए F = ma, यहां से होगा F का मान रख दीजिए, तो F का मान हो गया यहां से रखिए E(e)। F का मान हो गया E(e) = ma, यहां E का मान आप चाहिए तो पुट कर दीजिए E (V/L), E के बदले V/L (e) = ma, यहां से A का मान निकाल लीजिए तो A = VE/V×E/L×M, यहां तक उतारिए अब नीचे लैंग्वेज में लिखिए यदि चालक के अंदर त्वरित इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हो और उनके टक्करों के बीच लगा समय t हो
तो त्वरण ए बराबर त्वरण ए बराबर त्वरण का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं वेग बटे समय, तो वेग के रूप में क्या लिए वी डी, समय के रूप में क्या लिए टी। त्वरण ए बराबर वी डी बाय टी। अब यहां से किसका मान निकाल लेंगे, वी डी का मान थोड़ा ऊपर निकाल रहे हैं दोस्तों, तो हो गया यहां से वी डी बराबर ए गुना टी लिख सकते हैं, जहां वी डी ड्रिफ्ट वेग है, जहां वी डी ड्रिफ्ट वेग है। तो वी डी बराबर त्वरण ए का मान पुट कर दीजिए, ए का मान लाए हैं वी ई बाय एल एम इंटू टी। बताइए दोस्तों यही फॉर्मूला है जो प्रूव हो गया, यही फॉर्मूला है जो प्रूव हो गया। तो बस इतना ही मेहनत आप लोगों को करना है दोस्तों, ड्रिफ्ट वेग का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए इतना ही मेहनत आप लोग करना है। तो आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था फॉर्मूला प्रूव करने वाला, समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिए कहां दिक्कत हुआ, हम फिर से बताएंगे इसको। आज हम आप लोग को एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि फार्मूला दो तीन गो आ चुका है, तो फार्मूला के साथ साथ भी न्यूमेरिकल होता चले तो और बेहतर हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए हम आप लोग को दो तीन फार्मूला प्रूव किए हुए हैं, जैसे एक आई बराबर क्यू बाय टी या आई बराबर एन ई बाय टी या ड्रिफ्ट वेग का फार्मूला आ गया, तो साथ साथ न्यूमेरिकल भी लेकर चलते हैं दोस्तों, ताकि साथ ही साथ फार्मूला प्रूव किए न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपका दोनों चीज बेहतरीन हो जाएगा। ताकि हम लोग को न्यूमेरिकल के टॉपिक पर लेकर चलते हैं दोस्तों, ठीक।